तो जल्दी जल्दी ये कैसे हैं आप सब जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें जी आप देख रहे होंगे मैंने दो दो मशीनें लगाई हुई हैं दो दो क्यों लगाई हुई हैं इस वजह से जी आज मैं धो रही हूँ बेड शीटें और सोफ़ों के कवर तो इस वजह से मैंने लगाई हैं दो मशीनें ऑटो मशीन भी लगाई है इसमें हल्के फुलके कपड़े डाल रही हूँ और उधर मैं बेड शीटें भारी वाली और जो ज़्यादा गंदी हुई होती हैं वो वाली डाल रही हूँ तो ये ऑटो मशीन में हल्के फुलके कपड़े डाल रही हूँ तो आज का दिन मेरा बहुत 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 मसरूफ़ है क्योंकि आज मुझे बहुत काम है ईद आने वाली है और कपड़े मैंने आज धो लिए हैं ये देखें जी और जी ये किचन में अंस के पपा मेरे हस्बैंड ने भी सामान ला के रख दिया हुआ था तो ये पड़ा है जी फ्रूट और ये आलू और प्याज चलें जी सबसे पहले समेट लेते हैं प्याज को प्याज को मैं निकाल लेती हूँ टोकरी में आज का दिन बहुत मसरूफ़ था कपड़े धोए थकावट इतनी हो गई कि मैं क्या बताऊँ कपड़े वैसे भी जिस दिन धोए ना तो थकावट हो ही जाती है उसके बाद ये जी चीज़ें समेटने वाला काम यह जी प्याज को मैंने रख दिया है टोकरी में यह टोकरी मेरी है कपड़े धोने वाली इसमें अब कपड़े नहीं रखती तो मैं इसमें प्याज रख लेती हूँ और ये है जी आलू आलू मेरे थोड़े से ही रह गए थे ये चार पाँच इनको मैंने निकाल लिया और नए आलू इस टोकरी में डालने लगी हूँ आलुओं को मैं धोऊंगी नहीं पहले मैं आलुओं को धो के रखती थी वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं आलू ना उनके ऊपर वो आपको पता ही है कि वो बन जाते हैं दाने दाने से अब मैंने ना आलूओं को धोना छोड़ दिया है जब इस्तेमाल करती हूँ उसी टाइम आलू लेती हूँ उसको धोती हूँ अच्छी तरह से और फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ तो अब मैं आलूओं को भी मैंने टोकरी में डाल लिया है अब मैं फ्रूट समेट लेती हूँ फ्रूट आपको पता है कि मैंने एक महीना हो गया तकरीबन आपने देखा ही है कि अफतारी में कभी भी मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई क्यों नहीं बनाई क्योंकि जनाब फ्रूट इतना महंगा था कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई आम बंदा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता तो इतना महंगा कुछ इन्होंने फ्रूट वालों ने इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब बंदा बेचारा खा ही ना सके लिहाजा आज फिर फ्रूट ले ही आए तो बच्चों ने खानी थी फ्रूट चाट बच्चे कह रहे थे हमने फ्रूट चाट खानी है तो फिर आज हमने फ्रूट चाट बनाई ही लगी वैसे इफ्तारियों में हमें फ्रूट चाट आती रही है ये बात नहीं है लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर चीज़ खाते हैं लेकिन बस उन्होंने फ्रूट महंगा किया था तो इस वजह से हम फिर फ्रूट लेके ही नहीं आए तो ये जी अब मैं बना रही हूँ पकौड़े देखें इतना काम करने के बावजूद भी हम हमें छुट्टी नहीं मिलती तो ये ये मैं कहती हूँ वाकई सही बात है कि ये जो औरतें होती हैं या बीवियाँ होती हैं या माएँ होती हैं ये सबसे सस्ता मज़दूर है तो सबसे सस्ता मज़दूर है जो सारा दिन काम में लगा रहता है तो ये जी मैंने जाम भी बना लिया है साथ साथ पकौड़े बन रहे हैं और ये मैं बर्तन ट्रे में लगा रही हूँ तो अफतारी भी तकरीब करीब ही है बस थोड़ा ही टाइम रह गया बल्कि आज मैं थोड़ी लेट ही हो गई इतनी मैं थक गई हूँ मैं कहती मैं सुबह की काम लगी हूँ एक मिनट भी मैंने बैठ के नहीं देखा तो काम 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 दिन रात करें हम काम तो अब जब काम से थक जाऊँगी तो फिर आराम रा, करूँगी ये देखें जी साथ, साथ। मैं कहती हम लेडीज़ जो होती हैं साथ साथ काम के साथ काम लगाती हैं देखिये साथ साथ मैं पकोड़े बना रही हूँ साथ साथ मैंने जाम शीरी बनाया और साथ साथ उधर मेरी चटनी ग्रैंड हो रही है तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा तो आप सुनाएं हिलाओ हिलाओ जल्दी 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 करो तो जल्दी जल्दी करो टाइम तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफतारी मेरी तैयार है तो अब हम अफतारी कर रहे हैं सादा सी हमारी अफतारी है ये देखें आठ बजे का टाइम है और मैं गई हूँ थक तो अब मैं लगी हूँ लेटने थोड़ी देर के लिए फिर उसके बाद उठूँगी ये देखें जो मैंने कपड़े धोए थे वो भी उसी तरह के उसी तरह दीवान पे पड़े हैं क्योंकि मगरब के टाइम इतनी तेज़ हवा आई इतना बादल आया कि सोचा बारिश होगी जल्दी से कपड़े उतार लिए तो जी अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी क्योंकि आज मेरे कपड़े धोए बहुत ज़्यादा थक गई अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें मुझे दें इजाज़त मेरा जहांगीर को अल्लाह हाफिज